जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम, बताएं। नमस्ते। वो हम लोग ना 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का मूर्ति प्रतिष्ठापन हो रहा है, तो हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग 200 किलो का पीतल का मंदिर का घंटा भिजवाएंगे, तो उसी के लिए हम लोग मोहल्ले मोहल्ले जाके चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप लोग कुछ सहयोग करना चाहेंगे? अरे बेगम कौन है वहाँ? वो राम मंदिर के लिए चंदा लेने आए। अच्छा अच्छा, तो उन्हें अंदर बुलाओ। इन्हें? लेकिन क्यों? बुलाइए बेगम साहब, बिठाइए यहाँ पर इन्हें। जी आइए। सलाम वालेकुम। जय श्री राम। अरे ये लीजिए। अरे वाह, इनविटेशन कार्ड। 22 जनवरी को अयोध्या में आपके प्रभु श्री राम का मूर्ति प्रतिष्ठापन हो रहा है, ये तो बड़े शौक का काम हो रहा है। जी। अब आप खड़ी क्यों बैठी? वो भाईजान, दरअसल बात ऐसी है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो हम मोहल्ले वालों ने डिसाइड किया है कि हम अपनी तरफ से 200 किलो का पीतल का मंदिर का घंटा भिजवाएंगे, तो उसी के लिए हम लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो आप कुछ चंदा देना चाहेंगे? अरे भाईजान, आप लोग बहुत शबाब का काम कर रहे हैं। और देखिए ना, आपके राम जी हो या हमारे अल्लाह, बात तो एक ही है। और बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे मोहल्ले में से राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग पहुंच रहा है। आप बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? धन्यवाद भाईजान आपका, जो आपका मन करे आप उतना दे दीजिए अपने श्रद्धा अनुसार। अरे भाईजान, मैं तो ये बोल रहा था कि धर्म के नाम पे जितना पैसा दे दिया जाए ना उतना कम, और मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे मोहल्ले से जितनी मदद की जाए ना उतना अच्छा। और देखिए ना भाईजान, आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि 22 जनवरी को हमारी जितनी भी कॉलोनी है उसको सजवा दीजिए, अच्छा लगेगा। और आप लोगों में एक वो त्यौहार मनाया जाता है ना, काफी बड़ा त्यौहार है वो, दीपावली। दीपावली, तो आप उस दिन को दीपावली की तरह मनाइए, घर घर में दीप जलवाइए, घर को सजवाइए और मोहल्ले को सजाइए। और आप लोगों में शायद वो कराते ना मंदिर के बाहर कुछ खाना बांटते, कुछ भंडारा, भंडारा, तो आप लोग वो भी करिए उस दिन, भंडारा बंटवाइए, गरीब लोगों की सहायता करिए, उन्हें खाना खिलाइए। और इस काम में हमसे जितनी मदद हो सकेगी ना हम उतनी आपकी मदद करेंगे, और मैं तो आऊँगा ही आऊँगा। और साथ ही साथ हम अपनी बिरादरी के लोगों को भी लाएंगे और आपकी खुशी में हम शरीक होंगे। और भाईजान, इससे लोगों में एक पैगाम भी जाएगा, अमन और एकता का। सही कहा ना मैंने? जी भाईजान, आपने बिल्कुल सही कहा। तो ठीक है, ये लीजिए मेरी तरफ से छोटा सा नजराना। भाईजान, ये तो बहुत ज्यादा है, इनसे तो जो आपने कहा ना वो सब कुछ हो जाएगा। अगर आपको इनमें से कुछ कम करना है तो आप कर लीजिए। देखिए भाई, अब धर्म के नाम पे जो पैसा निकल चुका है वो हम वापस नहीं ले सकते। और अब देखिए ना, चाहे आपके भगवान हो या हमारे अल्लाह, इन मामलों में हम पैसों को नहीं लाते। अब आप इन्हें अपने पास रखिए और उस दिन को बड़े भव्य तरीके से बनाइएगा, और मैं भी आऊंगा आपकी खुशी में शरीक होने। ठीक है भाईजान, आपको 22 जनवरी को हमारे घर के बाहर जरूर आना है। बिल्कुल भाईजान, मैं जरूर आऊंगा और अपनी बेगम साहिबों को भी लेकर आऊंगा। ठीक है भाईजान, जय श्री राम। 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 मुझे एक बात बताइए, वो त्योहार हमारा नहीं है, वो लोग हमारे लिए, और तो हमारी मस्जिद की जगह अपना मंदिर बना रहे हैं, और आप उनकी मदद कर रहे हैं, उन्हें पैसे दे रहे हैं, क्यों किया आपने ऐसा? ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और हमारे देश की ही तो प्रगति हो रही है ना, और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। और अगर हम लोग उसमें थोड़ी सी मदद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इससे हमारे देश में शांति का पैगाम जाएगा। और तुम क्या समझ रही हो, हम लोग अलग है? नहीं, हम लोग अलग नहीं है, हम इसी देश की मिट्टी में उगा हुआ अनाज खाते हैं, इसी देश की हवा में हम दोनों सांस लेते हैं, और इसी देश का हम पानी पीते हैं, हमारा खून भी लाल है, तो हम अलग कैसे हुए? और तुम ऐसे बात करोगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था बेगम साहिबा। हमें माफ कर दीजिए, आप सही बोल रहे हैं, हम जैसे कुछ लोगों ने धर्म बांट रखा है, भगवान को देखने कुछ लोग मंदिर में जाते हैं और हम लोग मस्जिद में। हमें माफ कर दीजिए, और हम उनके त्योहार में शरीक होने जरूर जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। अरे हमारे हिंदू भाइयों का कितना बड़ा सपना था कि वहाँ पर राम जी की स्थापना हो, उनका मंदिर बने, और अगर हम उनकी खुशी में शरीक होंगे तो कल को वो भी तो हमारी खुशी में शरीक होंगे ना, और अगर आज हम उनके लिए कुछ करेंगे तो कल हमारे लिए कुछ करेंगे। किसी से देश में एक भाईचारा, अमन और एकता का पैगाम भी जाएगा। और वैसे भी हमें बांटने वाले हम लोग थोड़ी है, ये तो बाहरी लोग हैं,
जो हम में फूट डाल के खुद राज करना चाहते हैं, और इसी के चलते ना वो लोग हमें आपस में धर्म के नाम पे लड़वाते हैं। और तुम्हें एक बात बताऊं, हमारा जो धर्म है ना वो जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। और वैसे भी जब भी हमने हमारे मस्जिदों के लिए आवाज उठाई है, इन्होंने कभी हमारा विरोध नहीं किया, और तो हमेशा हमारा सहयोग किया है, हमारा साथ दिया है। अब हमारी बारी है, हम हमारे हिंदू भाइयों के लिए जरूर साथ देंगे। हाँ हाँ, ये हुई ना बात, अब आप हुई ना हमारी बेगम साहिबा, आइए बैठिए।